नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और आज देखिए, ये एक खूबसूरत सी नर्सरी में हम आए हैं। अभी नई नई खुली है नर्सरी, हमारे पास ही है थोड़े से घर के, और काफ़ी अच्छी नर्सरी है। मैंने अंदर घूम के देखा है, काफ़ी वैरायटीज़ के प्लांट इनके पास हैं। और अभी कुछ दिन पहले इसकी ओपनिंग हुई है, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे घर के आस पास नर्सरी हो गई है। कि हम दूर दूर जाना पड़ता था कुछ पौधे ख़रीदने के लिए, तो अभी क्या है कि अपने आसपास ही एक नर्सरी होने के कारण आप जब मन करे सुबह शाम दोपहर जब आए और पौधे ख़रीद कर ले जा सकते हैं। और आप देखिए बाहर ये जो पौधे रखे हुए हैं, ये भी कोई भैया आए हुए हैं, उन्होंने बाई किए हैं। और आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो नर्सरी है वो अंदर से कैसी हैं, इनके पास कौन कौन से प्लांट्स और पॉट्स हैं। तो आइए चलते हैं। तो ये देखिए, ये बड़ा ही खूबसूरत एक वैरायटी है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये स्टिक के सारे ये चला हुआ है, नाम इसका अभी मैं पता करता हूँ। बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बाकी और भी प्लांट हैं इधर, ये देखिए क्रोटोन की काफ़ी सारी वैरायटीज़, इनके पास बड़े बड़े प्लांट हैं यहाँ पर। ये देखिए इधर भी रखे हुए हैं, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े बड़े हैं काफ़ी। और इधर देखिए गेंदा की दो तीन वैरायटी इनके पास हैं। और अभी जो सीज़न है विंटर का, उसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स के ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये गेंदे के कई सारे वैरायटीज़, कई सारे ऑप्शन इनके पास अभी हैं, छोटे से लेकर बड़े। और ये इधर देखिए, ये जो हाइब्रिड वाला गेंदा होता है उसकी वैरायटी है, और कलर भी इसमें दो तीन ऑप्शन अपने पास मिल जाते हैं, ये देखिए। और इनका जो प्राइस है वो भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में यहाँ से मिल जाएंगे आपको, मात्र 20 रुपीज़ में ये यहाँ से अवेलेबल हैं, और आप बाई कर सकते हैं इनको। और इधर कुछ और ये देखिए, गुलदावदी के प्लांट हैं ये, और 6 इंच का जो पॉट है उसमें ये अवेलेबल है यहाँ पर, ये देखिए। और काफ़ी अच्छे बर्ड्स भी नहीं, काफ़ी मात्रा में आई हुई हैं, एक एक प्लांट पर 200-200 बर्ड्स इन पर आई हुई हैं। और प्राइस काफ़ी रिजनेबल हैं, लगभग 50-60 रुपये के आसपास में ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये सर्दियों का बहुत ही स्पेशल फूल, इसको डेलिया बोलते हैं, ये देखिए। और डेली के भी प्लांट यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ इनके पास अवेलेबल हैं, और काफ़ी सारे कलर्स हैं इसमें, और अलग अलग कलर्स के पौधे, ये देखिए कुछ पिंक है, रेड है, वाइट भी इधर है, देखिए इधर येलो है, पर्पल है, कितने सारे कलर इनके पास अवेलेबल हैं। और रीज़नेबल प्राइस में इनके पास यहाँ पर ये मिल जाएंगे आपको, 40 रुपीज़ इनका प्राइस है। और ये देखिए काफ़ी मैच्योर प्लांट हैं, ये सारे सीजनल प्लांट मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इधर देखिए डाइंथस है, गजेनिया है, फ्लावरिंग इन पर हो रही है अभी, और जो कलर आप चाहें तो वो बाई कर सकते हैं, क्योंकि जब फ्लावर नहीं होते तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा कलर निकलेगा नहीं निकलेगा, पता नहीं चल पाएगा। ये देखिए इधर गजने के भी काफ़ी सारे कलर इनके पास अवेलेबल हैं, और 20 रुपीज़ में मात्र आपको ये यहाँ से मिल जाएंगे। अभी जो मैं गुलदावदी की बात कर रहा था, वो हाइब्रिड वाली गुलदावदी थी, उस पर काफ़ी सारी बर्ड्स आई हुई थी। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये नॉर्मल वाली है, इसके जो प्राइस हैं उससे लगभग काफ़ी सस्ते हैं, और इसका प्राइस मात्र 20-30 रुपीज़ है, शायद 30 रुपीज़ है इनका प्राइस। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप सर्दियों के लिए बाई कर सकते हैं। इधर दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पिटूनिया की यहाँ पर काफ़ी प्लांट रखे हुए हैं, और पिटूनिया में भी सर्दियों में अगर आपको अपने गार्डन को अच्छी तरह से सजाना है तो पिटूनिया के जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी यूनिक होते हैं गार्डन को डेकोरेट करने में, और बंचेस में इन पे फ्लावर आते हैं, एक एक फूल, एक एक पेड़ पर जो है वो लगभग 100-150 फूल आते हैं, तो काफ़ी डेकोरेटिव भी लगते हैं और आपके गार्डन को चार चांद ये लगा देते हैं। ये देखिए ये भी मात्र 20 रुपीज़ में आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। और इनके पास काफ़ी सारे और अलग अलग वैरायटीज़ के, जैसे ये कलेंचो भी रखा हुआ है, और इधर कुछ सेकुलेंट्स हैं, कैक्टस हैं, ये देखिए।
अलग अलग प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे। और बाकी इनके पास बल्ब भी हैं, जैसे लीलियम के अभी बल्ब आएंगे, काफ़ी सुंदर फ्लावर होता है लीलियम का भी। और इसके ये देखिए, ये इनके पास बल्ब से इन्होंने ग्रो किया हुआ है, ये देखिए। अलग अलग प्राइस में आपको ये यहाँ से मिल सकते हैं, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये। और ये आर ओ भी बता रहा है कि ये बड़े बड़े फ्लावर हैं डेलिया के, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ये इन्होंने बाहर रखे हुए हैं दिखाने के लिए कि जिनसे इनकी जो सेल है वो काफ़ी बढ़ जाए। लीलियम की हम बात कर लेते हैं, जो ये 50 रुपीज़ के आसपास का ये आपको मिल जाएगा, बल्ब से ग्रो किया हुआ ये प्लांट। और इसको लगभग अभी 15-20 दिन में ही ये पूरा तैयार प्लांट हो जाएगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और मैं बात कर रहा था नर्सरी की अच्छी वैरायटीज़ की, तो यहाँ पर जो बाई करने वाले हैं लोग, काफ़ी लोग आए हुए हैं और काफ़ी ख़रीदारी लोग कर रहे हैं सर्दियों के मौसम के फूल जो हैं उनकी। ये देखिए इधर भीड़ आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर आए हुए, क्योंकि इनके जो प्राइस है ना वो काफ़ी रिजनेबल हैं, इसी वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। जो विंटर के फ्लावर हैं उनकी जो सैपलिंग है वो भी आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, 5-7 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और 15-20 रुपये तक जाती है। अलग अलग वैरायटीज में जो होगी उसके हिसाब से प्राइस होते हैं, जैसे इधर गेंदा है और इधर पेंजी है, पिटूनिया है, काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन इनके पास काफ़ी सारे हैं। तो 5-7 रुपये से लेके और 10-15-20 रुपये तक के इनके प्राइस पहुंच जाते हैं। और इधर ये पौध जो ना वाइट वाली, मैं इसमें रस्सी बांध दी, इधर अभी इनके पास आई है आजकल में, ये डेलिया की पौध है और काफी अच्छी लग रही है देखने में। डेलिया के पौधे के क्या प्राइस है? हम अपने है ना, और डेली की जो पौध है इसके भी प्राइस आपको 8-10 रुपये में ही आपको यहाँ से मिल सकता है। और इधर कुछ इंडोर प्लांट्स की वैरायटी हैं अलग अलग, एग्लोनीमा भी रखा हुआ है, डेफन भी रखा हुआ है और बाकी और मनी प्लांट की वैरायटीज़ हैं, फिलोडेंड्रम की मिनीचर वाली वैरायटीज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी, इनके भी अलग अलग प्राइस हैं। और कुछ परमानेंट प्लांट इधर आपको मिल सकते हैं, ये देखिए। तो काफ़ी कुछ है इनके पास नर्सरी में और आप आकर यहाँ से बाई कर सकते हैं, प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं इनके। और बाकी अगर पॉट्स की बात करें, इनके पास पॉट्स भी हैं यहाँ पर, अभी प्लास्टिक के पॉट्स हैं वो भी रिजनेबल प्राइस में, और ब्लॉक्स भी इनके पास मिल जाएंगे अगर आपको ब्लॉक्स चाहिए हो। कोकोपीट का ब्लॉक है, कुछ सैकुलेंट्स हैं इधर, ये भी आप यहाँ से बाई कर सकते हैं सस्ते दामों में, ये देखिए। तो इस तरह से यहाँ से आप बाई कर सकते हैं प्लांट। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके, और नोटिफिकेशन बेल जो है वो ज़रूर दबा दीजिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, नमस्कार।